ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ओ या फ्रेंड्स, हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। और आज मैं करने वाली हूँ फ्रेंडशिप डे स्पेशल जर्नलिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो जर्नलिंग स्टार्ट करने से पहले स्टिकर बना लेते हैं, क्योंकि मैं DIY स्टिकर्स यूज करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 फ्रेंड्स की स्केचिंग की है, और सेम वे मैं कुछ और भी फ्रेंड्स की ड्राइंग करूंगी जो कि डिफरेंट पोज में है। और आप देख लो मैंने कितने स्टाइलिश कपड़े बनाए हुए हैं, ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। अब मैं इसके पेंसिल मार्क्स को अपने न्यू नीडेबल इरेजर से लाइटन अप कर दूंगी। और हाँ, मैंने हैप्पी फ्रेंडशिप डे एक डिफरेंट हैंडराइटिंग में लिखा। अब मैं सारे पिक्चर्स को ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग कर दूंगी, पर हैप्पी फ्रेंडशिप को मैं डिफरेंट कलर से करूंगी, क्योंकि अच्छा लगना चाहिए ना। देखो कितना कलरफुल साइन कर रहा है। अब आती है सबसे फेवरेट चीज, कलरिंग की। और कलरिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा ब्यूटीफुल कलरफुल आएगा। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड टू स्टिक इट। तो फ्रेंड्स, स्टिकर तो रेडी हो गए हैं। अब मैं अपनी डायरी लेती हूँ, जिसके फ्रंट पेज पर मैंने एनिमे कैरेक्टर पर जर्नल किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैं सोच रही हूँ कि डायरी के व्हाइट पेज को पूरा कलरफुल पेज से कवर कर दूँ। तो मैं कोई स्टिकी नोट्स लूंगी, तो कुछ पैटर्न पेज लेकर इसको पूरा कवर कर दूंगी। तो ये लो फ्रेंड्स, इतने सारे कलरफुल स्टिकी नोट्स चिपकाने के बाद हमारा बैकग्राउंड रेडी है, जिस पे हम स्टिकर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे वाला स्टिकर लगाऊंगी, क्योंकि वही तो हमारा थीम है। और फिर मैं उसके बाद अपने फ्रेंड्स वाले स्टिकर लगाऊंगी। और मैंने कुछ कोट भी लिखे हैं, जैसे मस्ती वाला। और ये फूल तो मेरा फ्लावर डूडल्स है, जिसको मैंने लीफ को काट दिया। तो मुझे आइडिया आया कि ये डिस्को लाइट बन सकता है। तो अभी ये सिंपल लग रहा है, इसलिए मैं इसकी थोड़ा सा शाइनी बना देती हूँ। तो मैं ग्लिटर पेन से इसमें कुछ डॉट डॉट बना दूंगी, जिससे लगेगा कि ये शाइन कर रहा है। सारे कलरफुल पेन का यूज करूंगी मैं इसको शाइनी बनाने के लिए। तो देखो, लग रहा है ना एकदम डिस्को लाइट जैसा। ओह नो फ्रेंड्स, इसके बैक साइड में एक लोटस था, इसने अपनी कुर्बानी दे दी। सो सैड। चलो कोई नहीं, इसे स्टिक कर लेते हैं। और एक येलो स्टिकर पेज लगाकर मैंने इस पे केयर भी लिखा, क्योंकि हम फ्रेंड्स केयर तो करते हैं दूसरे की। फिर बाद में मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मस्ती के पास में मैं मौज भी लिख दूं, क्योंकि हम मौज मस्ती तो करते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 बेस्टी के स्टिकर लगाए, और उनके बगल में मैंने अपने फ्लावर डूडल्स लगाया। अरे ये क्या हो गया, मेरे फेवरेट ग्लू स्टिक पर तो फन वाला स्टिकर चिपक गया। कोई नहीं, मैं इसको कागज पे फिर से लगा देती हूँ। और मैंने फन के साथ टुगेदर भी लिखा, क्योंकि हम फन अकेले थोड़ी ना करते हैं, साथ ही में तो करते हैं। उसकी आउटलाइन कर ली, और इस जगह पे मुझे खाली स्पेस दिख रहा था, तो मैंने 2 ग्लास बनाए चेयर्स करते हुए। और उसमें मैंने ऑरेंज जूस शो किया विद चेरी ऑन टॉप विद ब्लू स्ट्रॉ, एंड मैंने वहाँ पे चीरप भी लिख दिया। फ्रेंड्स, दिलकाम के बेटे, हमारा जर्नल ऑन फ्रेंडशिप डे रेडी है बनकर। वाओ, आई एम सो हैप्पी, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरा ये जर्नल ऑन बेस्ट फ्रेंडशिप आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी विद मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।